रांची के पूर्व उपायुक्त रहे महिमा पात्रे पर सीएनजी एक्ट की अनदेखी कर जमीन खरीदने का गंभीर मामला पिछले साल आया था। सुनील उड़ाव नाम के व्यक्ति ने डीसी राय महिमा पात्रे पर नामकु मंचल के मौजा खुटिया थाना नंबर 330 खाता संख्या 62 के प्लॉट नंबर 1583 की खरीद के लिए सीएनजी एक्ट का उल्लंघन करने का शिकायत दर्ज कराया था। यह निबंधन और दाखिल खारिज तक सीओ मैडम सुप्रा रानी के सब हाथों से किया गया। उनके कृत्यों को वर्तमान डीसी साहब ने भी चलता कर दिया, क्योंकि वर्तमान डीसी और सुप्रा मैडम के बेहतर कनेक्शन थे। सुनील कुमार की शिकायत पर राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के संज्ञान लेते हुए जांच का आदेश दिया था। विभाग के संयुक्त सचिव ने दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के आयुक्त को पत्र लिखकर जांच की जिम्मेदारी सौंपते हुए जांच की रिपोर्ट विभाग को उपलब्ध कराने का आदेश दिया था। पर जिस घर में तुलसी तेरे आंगन वाली कहावत है, वहां होना क्या है? कुछ नहीं हुआ। मैडम का अपने गृह जिले के नजदीक ट्रांसफर कर दिया गया, वह भी 3 साल के पहले ही। सारे गुनाहगार एक बार फिर सरकारी सिस्टम की वजह से बच गए। जानकारी के अनुसार शिकायत में कहा गया था कि सीएनटी एक्ट की धारा 86(1)(b) के मुताबिक अधिनियम क्षेत्र में खरीदी गई जमीन पर 12 वर्षों तक खरीदार नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत होता है। नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत को जमीन पर छप्परबंदी करने या उसकी खरीद बिक्री करने का अधिकार नहीं होता है। तय अवधि के बाद ही उसे रैयत का पूरा अधिकार मिलता है, लेकिन डीसी साहब यानी राय महिमा पात्रे ने प्रणामी बिल्डर्स से नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत होते हुए भी जमीन की खरीद कर ली। कार्यकर्ता ने राय महिमा पात्रे के उपायुक्त रहते हुए जमीन की खरीद करने पर सवाल उठाए हैं। सीएनटी एक्ट में गड़बड़ी किए जाने पर उपायुक्त को न्याय करने का अधिकार दिया गया है। ऐसे में सीएनटी जमीन का कस्टोडियन रहते हुए उपायुक्त द्वारा सीएनटी की जमीन स्वयं या परिजनों के नाम पर खरीदना अनुचित है। शिकायतकर्ता ने राय महिमा पात्रे द्वारा जमीन खरीदे जाने से संबंधित कागजात भी प्रस्तुत किए हैं। राज्य सरकार को 40 डिसमिल जमीन की खरीद बिक्री करने से संबंधित 4 दस्तावेज उपलब्ध कराए गए हैं। दस्तावेजों में 4 अलग अलग अभ्यर्थकों के नाम पर खरीद दिखाई गई है। अभ्यर्थकों की दादी नानी कुमकुम रे को कस्टोडियन बनाया गया है। बताते चले कि कुमकुम रे पूर्व उपायुक्त राय महिमा पात्रे की माता है। Every welcome you've never known. Welcome to a journey you've never imagined. Welcome to Arabia, Saudi. दो गड्ढों वाले शौचालय के बारे में सुना है? हाँ? नहीं सुना, आइए समझाते हैं। देखिए, दो गड्ढा बनाइए, पहले वाला जब मल से भर जाएगा ना तो ये चालू हो जाएगा, और साल भर के अंदर इसके अंदर जो मल है ये खाद बन जाएगा, इसे खाली कर दीजिए। इसी तरह शौचालय जो है वो आजीवन चलता रहे, न बीमारी फैलेगी न बदबू। और पैसे? अरे वो सेप्टिक टैंक से कई गुना सस्ता। हाँ, क्या समझे? शौचालय 2 गड्ढों वाला ही बनवा। We'll be right back.